आज और नया दिन का शुरुआत करते हैं। ये हमारा होटल है पीछे, देख सकते हैं ये हमारा पीछे होटल है। आज वेदर बहुत ही मस्त, कल तो बहुत बारिश हुआ था। ये लूजिंग लू का नाम से है, यहाँ ज़्यादातर इंडियन आके यहीं रुकते हैं। यहाँ चारों ओर इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है। तो आज चलिए हम निकलते हैं, आज गारमेंट्स का होलसेल मार्केट और एक है, वहाँ चलेंगे। वहाँ से हम लोग होलसेल में रिटेल में गारमेंट ले सकते हैं। और आज भी हमारे साथ ओलीवुल भाई है, हम दोनों निकले हैं है? तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या देख सकते हैं। ये हमारा होटल बढ़िया से देख लीजिए, ये होटल फुगैंग। यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन ही रहते हैं, बहुत ही फेमस होटल है ये लूजिंग लू। ये लूजिंग लू देख सकते हैं आप दोनों तरफ, ये लूजिंग लू स्ट्रीट है जो कि गंजाव का एक फेमस एरिया बोल सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर फॉरेनर ही आके रुकते हैं ये होटल में, मेनली इंडियन। ये बगल वाला जो होटल है उसमें भी इंडियन ही रुकते हैं। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। अभी कोविड का बाद बहुत सारा बंद भी हो गया। यहाँ पहले एक शर्मा जी करके वेजिटेरियन होटल हुआ करता था, वो अभी यहाँ से मूव कर गया। तो अभी क्या है, कोरोना का बाद बहुत कुछ चेंज वगैरह हो गया। हाँ, यहाँ पर पहले शर्मा जी था, जो पहले यहाँ आ चुके वो जानते हैं। शर्मा जी अभी मूव कर गए कहीं दूसरे जगह में। अभी यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट है। ये जो होटल है ये भी बहुत फेमस होटल है। यहाँ ये पहले डोंगयू का नाम से आता था, अभी ये रेडिसन वाला ने इसको टेक ओवर कर लिया है। अभी इसका नाम हो गया आपका काउंट्री इन एंड स्वीट्स, रेडिसन ने इसको टेक ओवर किया। ये भी बहुत फेमस होटल है लूजिंग लू का, डोंगयू होटल ये बहुत फेमस है। ये आप देख सकते हैं उर्बन स्पाइस इंडियन साई सागर, ये इंडियन रेस्टोरेंट है प्योर वेज। अब ये फिलहाल बंद है, आपको खुलेगा। ये है लुवांग ट्रेडिंग मॉल, यहाँ से जितना भी ओवरसीज जो एक्सपोर्ट्स वगैरह होता है उसका ऑफिस वगैरह यही पर है। ये गैंगफू इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर, यहाँ से जितना भी अरब्स है आपका, अफ्रीकन्स वगैरह आप देख सकते हैं। अफ्रीकन्स यहाँ बहुत, मतलब इस स्ट्रीट में इंडियंस और अफ्रीकन्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फॉरेनर्स तो हर देश का मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियंस और अफ्रीकन नेशनल्स यहाँ बहुत 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 मतलब यहीं पर रहते हैं। ये लोग बहुत अफ्रीकन्स यहाँ लॉन्ग टर्म में भी रहते हैं। ये टोटली बिजनेस एरिया है यहाँ, या तो होटल या शिपिंग कार्गोज वगैरह सब यही सब जाता है। यहाँ भैया हम लोग जा रहे हैं सामने शियाबो मेट्रो स्टेशन। ये हमारा होटल का सबसे नज़दीक का स्टेशन है शियाबो मेट्रो स्टेशन। हम लोग अभी यहाँ से सबवे, मतलब मेट्रो को यहाँ सबवे बोलते हैं, हम लोग मेट्रो लेंगे, यहाँ से चलेंगे शियाबो से आगे तक कहाँ जा सकते हैं, गारमेंट होलसेल मार्केट। कल हम लोग गए थे गारमेंट एक्सेसरीज मार्केट, उसका तो वेदर इतना ख़राब था, बारिश हो रहा था, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। आज फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कर सकूँ। वहाँ गारमेंट का एक्सेसरीज का जिसका काम है, हाँ जुमदा बोलते हैं उसको, जुमदा, तो गारमेंट एक्सेसरीज का काम वहाँ कर सकते हैं। वहाँ से आपको फैब्रिक्स वगैरह, चाइनीज़ फैब्रिक्स, वो बहुत ही बड़ा स्केल में है, वहाँ बहुत लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ का जुमदा, जो कोई गारमेंट एक्सेसरीज और गारमेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गारमेंट्स का होलसेल एक मार्केट है वहाँ चलते हैं, तो चले देखते हैं। ओके, अभी हम शियाबो स्टेशन जा रहे थे, यहाँ पर मिला एक हमारा युगांडा का फ्रेंड मिल गया। सिहाई, हेलो हेलो, हाउ आर यू। ये अफ्रीका का युगांडा से है। हाँ, तो अभी ये भी हम लोग का साथ आज चलेंगे शियाबो से। तो ये भी यहाँ पे बिजनेस पर्पज से ही आए हुए हैं,
उनका काम है आपका बाईसाइकिल पार्ट्स का, बाईसाइकिल पार्ट्स का काम है। अभी आप सामने हैं, सामने ये शियाबो मेट्रो स्टेशन। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं जोंगशा मेट्रो स्टेशन। जोंगशा एक रिटेल मार्केट है, यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह हम लोग देखेंगे आज। यहाँ एकदम आप देख सकते हैं चारों ओर गारमेंट शॉप, ये गारमेंट शॉप है जोंगशा, जो कि यहाँ पे रिटेल होलसेल सभी होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन मिलता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ सब सेल वगैरह लगा हुआ है जोंगशा। यहाँ पे सब 10 का 3, मतलब 10 में आपको 3 पीसेस मिल जाएगा, मतलब 10 RMB, 1 RMB इक्वल टू 11 point something है। आप इसको 12 पकड़ सकते हैं, 12 इज ओके। ये चारों ओर गारमेंट्स गारमेंट्स, ये थोड़ा फैंसी में है, थोड़ा स्टाइलिश जो गारमेंट्स वगैरह, यहाँ से चाइनीज लोकल्स भी यहाँ से लेते हैं। ये आपका चारों ओर गारमेंट्स का ही शॉप है, इस तरफ जाए तो गारमेंट्स का ही शॉप था, इस तरफ। ये हम लोग सामने तरफ देखते हैं, फिर अच्छा मार्केट का अंदर भी चलेंगे। ये जोंगशा एरिया है, आप रोड का वो साइड भी देख सकते हैं, वो साइड में भी गारमेंट शॉप है, चारों गारमेंट शॉप। कंस्ट्रक्शन चाइना में, कंस्ट्रक्शन अभी कोविड का बाद बहुत ही ज़्यादा हो गया, अभी हर जगह में कंस्ट्रक्शन है। हम लोग तो पहले आया था लॉकडाउन से पहले दिसंबर में, उसका बाद से चाइना बहुत चेंज हो गया, बहुत हर जगह में जहाँ वो लोग का ज़रूरत था कंस्ट्रक्शन। चाइनीज पीपल वो वे डिसिप्लिन भी है। और ये जो आप बैटरी स्कूटी देख रहे हैं ना, ये पहले चाइना में नहीं था, ये भी लॉकडाउन का बाद से ही है, पहले यहाँ ये अलाउड नहीं था, लेकिन अभी कोविड का बाद से ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अभी तो मतलब हर बंदे का पास लगभग ये बैटरी स्कूटी है। ये हमारा उलीवुल भाई क्या खरीद रहे हैं देखते हैं। ये 50 for 2, 25 का एक मिलेगा। ये आप रंग बिरंगी टी शर्ट्स, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी। ये हमारा शॉपकीपर है, हेलो, ये हमारा शॉपकीपर है, बहुत ही बढ़िया। डेली यूज के लिए है, पार्टी वेयर वगैरह सब कुछ। ये एक होलसेल मार्केट है बच्चों का, सुपर चिल्ड्रंस वेयर होलसेल मार्केट, यहाँ सब होलसेल में है। जो लोग होलसेल करना चाहते हैं, हम लोग सभी ऑप्शन देखेंगे, होलसेल का रिटेल का। एक्चुअली चाइना में तो बल्क क्वांटिटी लेने से तभी लोग, एक्चुअली हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरर ही है, ब्लॉगिंग ये तो शॉप से करते हैं। सेल लगा हुआ है 10 का है। चाइनीज लेडीज बहुत फ्रेंडली होते हैं, मेनली यहाँ तो बिजनेस वही देखते हैं। जोंगशा में और एक होलसेल मार्केट है, जो कि
मेनली किड्स किड्स गार्बेज मार्केट भी हम लोग वहाँ पर आए हैं, चारों ओर भी है। अभी आफ्टर कोविड जो इम्पैक्ट है चाइना में तो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रिटेल मार्केट का हालत बहुत ही ख़राब है, चारों ओर सेल ही सेल लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग रनिंग में देखेंगे एक्चुअली क्या अंदर बहुत कोई अलाउड नहीं करता है, तो हम लोग पासिंग रनिंग में देखेंगे कैसे क्या देख सकते हैं। तो चलिए एक टूर लेते हैं। ओके, चारों ओर यहाँ पे आपका बड़े का कुछ नहीं मिलेगा, अभी किड्स का है, बच्चे का, बच्चे का एकदम न्यू बॉर्न से लेके 12-13 का। ये जोंगशा एरिया है, जोंगशा जो कि सबवे लाइन 5 में आता है, जोंगशा मेट्रो थ्रू है, शियाबो है, अभी 5 लाइन में जहाँ हम लोग पहले गए। शॉप का ओनर है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा दुकान का वीडियो निकालो, तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं। ये बहुत ही हसमुख रिक्वेस्ट किया है कि हमारा इधर में आप वीडियो निकालो, बहुत ही बढ़िया है। ओके बाय। ये किंग किट का नाम से ये लोग का शॉप है, इनका इनका तीन शॉप है, तीन शॉप। तो ये अपना दूसरा शॉप में हमको लेके जा रहे हैं, बोला कि आप वहाँ का भी वीडियो निकालो। नो नो नो, हाँ वीडियो फर्स्ट टाइम, वीडियो फर्स्ट टाइम, नो नो नो। How many days already? After lockdown first time, but we came here so many times. Oh, okay. That is so. King Kids. Oh, King Kids. ये मैडम का दूसरा शॉप है, जो कि आपको लेके आए हैं। King Kids.